गए हैं और उस मकाम पर पहुंचे हैं जो मौलाना जनाब सकीना को अपने सीने पर लेटा है। ये दरवाजे की किसका कोना, यहाँ पर एक जगह थी जिसका नाम था मुखैम मुस्तशफा। एक छोटी सी जगह बनी हुई थी वहाँ पे गुम्बद बारगाह बनी थी जिसका नाम था मुखैम मुस्तशफा। ये वो जगह थी जब कोई जंग के मैदान में जख्मी होता था या शहीद होता था तो डायरेक्ट उसको खैमे में लेकर नहीं चले जाते थे, पहले उस मकाम पर लाया जाता था। अगर जख्मी होता था तो खानखान किया जाता था, फिर वो जंग के मैदान में वापस जाते थे। ये दो जगह, तीसरे ये बीच में जो आपको पंखा एक दिखाई दे रहा है उस तरफ दीवार के ऊपर जो पंखा दिखाई दे रहा है, वहाँ से तकरीबन 20 कदम की दूरी पर वहाँ पर एक जगह थी, एक छोटी सी मस्जिद की तरह जगह बनी थी। उस जगह का नाम था मस्जिद मुखैम। ये कौन सी जगह है मस्जिद मुखैम क्या है? ये वो जगह थी कि जिस वक्त इमाम हुसैन की शहादत हुई है तो कहते हैं हुसैन का रहवार इतना जानता था कि शहादत के बाद सीधे मुझे खैमे में नहीं जाना। कहते उस मकाम पर मस्जिद मुखैम उस जगह पर जो हुसैन का गुनाह उस मकाम पर आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया कि उसके सामने बिल्कुल खैमे का दरवाज़ा था। कहते एक मरतबा बीबी सकीना बार बार बाबा को देखने के लिए निकल रही थी, बार बार बाबा को देखने के लिए निकल रही थी। क्या देखती है, जुलझना खड़ा है लेकिन बाबा नहीं है। भागी भागी हैं ये पूछी, अम्मा जल्दी करो, बाबा का जुलझना आ चुका है लेकिन मेरे बाबा नहीं है।